Hey guys, welcome back to my channel and I hope you guys are doing absolutely well. So, आज है 6th of June 2020 और आज बहुत गर्मी है. अभी जस्ट मैं शावर लेके आया हूँ और मैं पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ. बेसिकली इसका रीज़न ये भी है क्योंकि मैं पंखा ऑफ करके रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं पंखा चला के व्लॉग करूँगा तो मेरा ऑडियो जो है वो और ख़राब आएगा. सो कल मैंने ये नोटिस किया कि बहुत दिनों से मैंने वॉचेस नहीं पहने हैं. सो इसलिए मैंने उन वॉचेस को पहले ढूंढा, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं था कि मैंने वॉचेस कहाँ रखे हैं. तो फिर फिर मुझे मेरे सारे वॉचेस मिल गए, जिसमें से एक ये भी है, मैंने अभी पहना हुआ है. मैं तीन बंद हो चुके हैं ये तीनों, एक्चुअली बेसिकली इनकी बैटरी ख़त्म हो गई होंगी और बाकी सब वर्किंग में. तो अच्छी बात है, जैसे थोड़ा लॉकडाउन और खुलेगा तो मैं ये सब जाके पहले ठीक ठाक करवाऊंगा. वीडियो टाइटल देखकर तुम समझ गए कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ. सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं उन लोगों को ये बता दूँ जो लोग नहीं पता है कि स्टीफनाइट्स किन्हें बोलते हैं. जो स्टीफन स्कूल में पढ़ते हैं, सेंट स्टीफन स्कूल में पढ़ते हैं, उनको स्टीफनाइट्स बोलते हैं. सो यस, हाँ, मैं भी सेंट स्टीफन स्कूल में पढ़ता हूँ, सो इसलिए मेरे को भी स्टीफनाइट बोला जा सकता है. बोलते भी हैं बहुत लोग. सो चलो बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं. सेंट स्टीफन स्कूल इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर मी, एंड क्योंकि सेंट स्टीफन स्कूल में मैंने बहुत सारे मोरल वैल्यूज सीखे हैं जो हम सब अपने अपने स्कूल्स से सीखते हैं और उसे लाइफ में हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू थैंक माई स्कूल फॉर गिविंग मी सो मच. एंड अगर तुमको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि तुम्हें एक और ऐसा वीडियो चाहिए कि नहीं. सो जो सबसे पहली कूल चीज़ है मेरे स्कूल के बारे में वो है द टैग फॉर द स्टूडेंट्स, दैट इज द स्टीफनाइट. एक्चुअली हमारे जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्टीफनाइट्स कहा जाता है और कई लोग, लिटरली कई लोग अपने फेसबुक आईडीज और इंस्टाग्राम आईडीज के सामने स्टीफनाइट लगाते हैं. एक टाइम था जब मैं भी लगाता था और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो स्कूल से पास करने के बाद भी अपने नाम के आगे एक स्टीफनाइट लगाते हैं. सो ये सबसे कूल चीज़ है मेरे स्कूल के बारे में. सो जो सेकेंड, जो नंबर टू में आती है, जो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ मेरे स्कूल के बारे में, वो है द ग्राउंड. मेरे स्कूल का ग्राउंड इतना बड़ा है कि उस ग्राउंड में आराम से दो क्लासेस खेल सकते हैं, एक क्लास क्रिकेट खेल सकती है, एक क्लास फुटबॉल खेल सकती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, क्योंकि मेरा स्कूल ग्राउंड बहुत बड़ा है और हमारे जितने भी स्कूल में इवेंट्स होते हैं, जैसे हो गया क्रिसमस, स्पोर्ट्स डे और भी कई जो इवेंट्स होते हैं, वो भी स्कूल ग्राउंड में ही होते हैं और ज़रा सा भी स्पेस के लेकर प्रॉब्लम नहीं होती. अब मैं बात करना चाहूँगा अपने जूनियर्स के बारे में, जो सीरियसली बहुत ज़्यादा ही ऑसम है. मैंने उनको कभी कभी ज़रूर डांट ज़रूर दिया है कभी कभी जब वो शरारत करते हैं, लेकिन स्टिल मैं उनको आज तक बताया नहीं कि वो कितने ज़्यादा ऑसम है, क्योंकि ये मेरा लास्ट ईयर है. तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो सीरियसली बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है. कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है तो कोई डांसिंग में अच्छा है, हर किसी में कुछ ना कुछ ज़रूर टैलेंट है. तो दे आर द बेस्ट एंड आवर बैच इज़ रियली लकी टू गेट द बेस्ट जूनियर्स एंड इवन द बेस्ट सीनियर्स. वेल, उसके बाद जो क्वालिटी है जो मुझे मेरे स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है कि मेरा स्कूल भर के इवेंट्स करता है, चाहे वो क्रिसमस डे बोलो, स्पोर्ट्स डे बोलो, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, रविंद्र जयंती, एवरीथिंग जो एक स्कूल को करना चाहिए इवेंट्स के तौर पे, वो हमारा स्कूल करता है. जिसमें से सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है क्रिसमस डे, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. उसके बाद स्पोर्ट्स डे और भी बहुत सारे हैं, तो उसमें सीरियसली बहुत मज़ा आता है. और उन इवेंट्स में भी हमारे जो जूनियर्स रहते हैं, इस बार जब हम अगर क्लास 11 में थे तो हमारे क्लास 9 के जूनियर्स ने हमारा स्पोर्ट्स डे में बहुत हेल्प किया था. सो वैसे भी जूनियर्स भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और सीरियसली काफ़ी मज़ा आता है. उसके बाद एक और क्वालिटी है जो मेरे स्कूल की काफ़ी अच्छी है, जो कई सारे स्कूल्स में शायद नहीं है, वो है अपने स्टूडेंट्स को इनक्रेज करना. हमारा स्कूल अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से इनक्रेज करता है हर चीज़ करने में, जैसे वो पढ़ाई हो गई या स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग. हम जब क्लास 11 में थे तो हमें बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया जो इवेंट्स थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. बहुत अच्छा से हमने भी पार्टिसिपेट किया और हमने पार्टिसिपेट भी किया और हमने उस इवेंट्स को ऑर्गेनाइज भी किया. सो वो प्रेशर के तौर पर नहीं लगा, वो एक एक्सपीरियंस था. और जो क्लास 11th में भी स्टूडेंट्स हैं, मैं वो लोग को बोलना चाहूँगा कि तुम लोग को ये क्लास 11th इज़ वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स, सो इस बहुत इन्जॉय करना. और क्लास 9 के भी जो जूनियर्स थे हमारे इस साल, तो उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की. सो थैंक यू गाइस. वेल, वंस आई रेड समवेयर दैट द टीचर्स आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स ऑफ गॉड एंड द टीचर्स ऑफ माय स्कूल हैव प्रूवन दैट विदाउट एनी डाउट.
They might have scolded me many times, but they have also supported me whenever I needed them. And I can say this without any hesitation, without any doubt, that the teachers of St. Stephen's School are the best in the world. So the last but not the least, I would like to thank all my friends for always standing with me. And I know we have fought a lot of times, but you guys have never failed to impress me with your stupidness and naughtiness. So thank you guys for always supporting me, and thank you St. Stephen's School for giving friends like them. So alright guys, if you have enjoyed this video for whatsoever reason, don't forget to like the video and subscribe to my channel, and do comment what should I try next. And till then, bye bye, take care, and wear the mask if you go out, and it's better not to go out unnecessarily. Bye bye. So जिन लोगों को नहीं पता है मेरे स्कूल का नाम सेंट स्टीफन्स है, पता नहीं आप कौन आ जाए।